हरिओम दोस्तों, आप जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, या आप ये भी जानते होंगे कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। लेकिन यदि कभी आपसे पूछा जाए कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा, या कह दिया जाए किसी बहुभुज में 10 हो जाए हैं तो इसके सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा, आइए देखते हैं इस मैट्रिक्स से। दोस्तों एन भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है एन माइनस टू इंटू 180, जहां एन भुजाओं की संख्या है। देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा, तो यहां एन बराबर कितना हो जाएगा 5। जब हम इस फार्मूला का मान रखेंगे तो हो जाएगा 5 ऋण 2 गुणा 180। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 में से 2 गए 3 18 3 54 540 अंश, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं षटभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा, यहाँ एन बराबर कितना हो जाएगा 6। जब इस फार्मूला में मान रखेंगे तो 6 ऋण यहाँ कितना आ जाएगा 2 गुणा 180, तो 18 चौको 72 720 अंश, इसका क्या होगा आंसर। दोस्तों इसका आंसर